हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आई होप यू आर एबल टू हियर मी आउट तो आज का सेशन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर लेने वाले हैं बिफोर वी स्टार्ट अ सेशन कुछ पॉइंटर्स बोलना चाहता हूं ये सेशन आप एंड तक सुनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इसमें मैं कैश फ्लो के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स बोलूंगा कैश फ्लो कैलकुलेट कैसे करना है और प्रॉपर तरीके से जो हम इंटरमीडिएट के सिलेबस में करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको इंटरप्रिट कैसे करना है ऐसे बहुत सारे रॉ पॉइंट्स बोलूंगा

लोगों की तरफ स्प्रेड करिए जो बच्चे अच्छे नॉलेज में इंटरेस्टेड है तो मैं जस्ट अभी घर पे आया हूँ डिनर करके हम ये बहुत अच्छा सेशन करेंगे साइमल्टेनियसली आप मेरे साथ नहीं साइमल्टेनियसली ट्राई करने की कोशिश मत करना मैं कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और टाइम पास नहीं करते लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सी आपका फीडबैक कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं कितने लोग शेयर करते हैं उसके बेसिस पे मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि अगर ये वीडियोस अच्छे बच्चों की तरफ जा रहे हैं हम सोचेंगे और बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो बेसिकली हम पे बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आता है लेकिन जेन्यनली क्या इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉफिट आपने कैश में कन्वर्ट किया क्या वो इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट टू कैश ये जो कन्वर्जन है ये आपको समझाने का काम करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट अब कैश फ्लो के बहुत सारे अलग अलग मैट्रिक्स है मैट्रिक्स मतलब मेजर uh, करने के मैकेजम्स तो उसमें से कुछ पॉपुलर हैं सबसे पॉपुलर और कॉमनली यूज इजीली अवेलेबल जो नंबर होता है वो होता है इबिडा ई बी आई टी डी ए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोरटाइजेशन तो बेसिकली दिस इज कंसिडर्ड एज अ क्लोजेस्ट मेजर टू कैश जनरेटेड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेशन बट डेफिनेटली दिस इज नॉट कैश क्योंकि ये अर्निंग है अर्निंग मतलब प्रॉफिट है तो इबिडा मतलब क्या है तुम्हारे बिजनेस ने कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोरटाइजेशन हम इसको क्लोज टू कैश कहते हैं कैश नहीं कहते हैं क्यों क्योंकि अभी भी अर्निंग्स है नंबर वन अभी भी टैक्स हमने कंसिडर नहीं किया है तो इबिडा इज अ वन ऑफ द मेजर इजीली अवेलेबल रहता है कंपनी लोग अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये प्रेजेंट करते हैं दूसरा जो मेजर है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो तुम्हारे बिजनेस से कितना तुमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच इज बेसिकली आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस तीसरा जो मेजर है और यहां से जो आगे मेजर चालू होते हैं वो बहुत अच्छे है ये इजिली अवेलेबल नहीं होते ये आपको डिक करके कैलकुलेट करने पड़ेंगे अवेलेबल होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इजिली अवेलेबल होगा तीसरा जो मेजर है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये जो मेजर है ये सारे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है फ्री कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है अ कैश फ्लो दैट इज रिमेनिंग विद अ बिजनेस फ्टर मीटिंग ऑल यूर एक्सपेंसिस और ऑल यूर कमिटमेंट एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इफ आई एम जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया है जो भी कैश मैंने कमाया है उस कैश में से कुछ कैश मुझे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए ग्रोथ करने के लिए प्लाउ बैक करना पड़ेगा बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो so, वो ग्रोथ करने के लिए जो कैश आप बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर मैं उसको माइनस करूं आई टेक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फ्री कैश फ्लो आपके पर्सनल लाइफ का एग्जांपल सोचिए आपको जॉब लगा है जॉब लगने के बाद आपको जो सैलरी मिलता है वो सैलरी में से आप, आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो मीटअप कर लिए आपका घर का रिनोवेशन करने के लिए आप कुछ पैसा बाजू रखोगे फ्यूचर में आपके कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स uh, आ सकते हैं इमरजेंसी आ सकते हैं उसके लिए कुछ पैसा बाजू रखते हो और ट्रैवल के खर्चे वगैरह जो है आपके वो बाजू रख लिया आपने और उसके बाद जो पैसा बचता है हम उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो क्योंकि आपने इमरजेंसी का प्लानिंग किया घर के खर्चों का प्लानिंग किया आपने घर का रिनोवेशन या घर का आपको फर्नीचर कुछ लेना है या कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम्स करना है उनको कंसिडर किया जो कैश बचता है उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो इन योर पर्सनल लाइफ

एचुएल में सोप्स बेचे, ने शैम्पू बेचा टूथपेस्ट टूथपेस्ट वगैरह से कुछ पैसा उनको, उनकी रिप्लेस करने के लिए, लिए बाजू रखना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन तो उसके लिए होता है ना हाँ डेप्रिसिएशन उसके लिए होता है बट मैं क्या ले रहा हूं मैं कैश फ्लो ले रहा हूं कैश फ्लो में नहीं ना कैश फ्लो इज विदाउट डेप्रिसिएशन तो मैं पहले ले लूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तुमने ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो जनरेट किया माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर मैं करूं तो मुझे मिलता है फ्री कैश फ्लो अब इस फ्री कैश फ्लो के और दो वर्जन है जो आपको इजीली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है एज एक्सटर्नल इन्वेस्टर क्योंकि डेटा हमारे पास लिमिटेड होता है तो वो दो वर्जन जो है उनको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होल्डर्स वो दो वर्जन में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेटा गैदर करना बहुत मुश्किल होता है बट देट इज गोइन टू बी वेरी क्लोज टू दंबर टूव राइट नाउ फ्री हम क्या सीखने वाले अभी फ्री कैश फ्लो टू दर्म तो टू समटिकल डिस्कशन था यह मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया बिजनेस के कैश फ्लो जो होते हैं वो तीन है एक है इबिडा बहुत सिंपल है इजिली अवेलेबल है दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और तीसरा है फ्री कैश फ्लो अभी मैं आपको फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करके दिखाता हूं इसके ऊपर दो चार रेशोज आते हैं वो भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं एच का डेटा लेंगे हम स्क्रीनर से और कैलकुलेट करेंगे बट बिफोर आई स्टार्ट दैट कैलकुलेशन आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हाउ डू वी इंटरप्रिट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन करना कैसे है तो मैं एक्सेल शीट शेयर करता हूं आपसे Uh, let me just start up my screen and i'm sharing everything of my uh, laptop i hope upcoye visible hoja just a second my excel pay around now i can't see myself so i'm assuming your people are able to see me just you can type in a let me open up in a phone so, so, so much just a second yes yes i can see it on phone now so Chelly.

इट कु इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ अदर कंपनी इट कु मनी गिवन टू सब्सिडी इट कैन बी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स डिटेल में गए तो आपको समझ में आएगा लेकिन बेसिकली एक ग्रोथ वाला बिजनेस दिख रहा है क्यों ग्रोथ वाला बिजनेस दिख रहा है तुम्हारे पास जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है वो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो और डिविडेंड भी दे रहे हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी निगेटिव है मतलब आप आईदर डिविडेंड दे रहे हो या आप लोन्स रीपे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये रीपेमेंट ऑफ लोन कवर किया जाएगा या इट कुड बी पेमेंट ऑफ डिविडेंट सो इट्स गुड बिजनेस लेटमी स्टार्टअप वन ट्वेंटी निगेटिव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग पे भी मैं वन एटी निगेटिव डाल रहा हूं लेकिन फाइनेंसिंग में थ्री ट्वेंटी पॉजिटिव डाल रहा हूँ इसका मतलब क्या है स्टार्टअप्स बेसिकली रेजिंग कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है मतलब मैं कर रहा हूं, equity, अब बोलेंगे, मतलब अरे भाई साहब अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी निगेटिव है तो मतलब क्या है लॉस ही कमाया ना तुमने या लॉस किया तुमने सो so, वो लॉसेस है तुम्हारे एंड बेसिकली जैसा सेकेंड हा बेसिकली वन एटी का क्या है वन एटी का निगेटिव है 180 इज नेगेटिव uh, मतलब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे स्पेंड कर रहे हो ये ऐसे जाके आपको इंटरप्रिट कर रहे हो तो ये सिचुएशन टू जो है इज लाइक अ स्टार्टअप सिचुएशन वन इज लाइक अ ग्रोथ कंपनी वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनी है ये सिचुएशन थ्री पे भी और एक लगाता हूं मैं सिचुएशन थ्री तुमने ऑपरेशन से फोर करोड़ जनरेट किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे तुमने चलो थोड़ा बहुत एक

ये सारी चीजें मैंने कैश फ्लो कैसे बनाना है क्लास में सिखाई है ये सेशन सिर्फ इंटरमीडिएट या सी फाइनल के बच्चों के लिए है या जो ऑलरेडी चार्ट अकाउंटेंट है उनके लिए है सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रिट कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ओवरऑल एक्टिविटीज देखना है ये मोटे मोटे बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है माइन्यूट आपको इंटरनल एक्टिविटीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ये पहला इंटरप्रिटेशन का पार्ट है दूसरा इंटरप्रिटेशन का पार्ट हम और समझना चाहते हैं थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बच्चों आई विल टेक यू टू द लेट्स विनर स्क्रीनर पे लेके जा रहा हूं मैं आपको सो so, ये स्क्रीनर पे गया मैं अब मैं यहां पर एक कंपनी सर्च करता हूं लेट एस एपीएल अपोलो ट्यूब्स आई सर्च फॉर एपीएल अपोलो ट्यूब्स स्क्रीनर पे हूं मैं एंड आई गो टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पे कैश फ्लो पे मैंने क्लिक किया नीचे आ गया एंड आई लुक एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन सम इंटरप्रिटेशन पॉइंट फर्स्ट

जब डिक्लाइन होता है तो कैश जनरेटेड ज्यादा होता है सो so, 199 करोड़ रुपीस आपका इनफ्लो है रिसीवेबल्स, लेकिन इस बिजनेस का इनवेंट्री इंक्रीज हुआ है इन द इ मार्च 2023, ट्वेंटी इन्वेंट्री हैज गॉन अप सब्सटेंशियली एंड दैट हैज पुट अप अ सबस्टेंशियल प्रेशर ऑन कैश फ्लो जनरेशन बाय एपीएल अपोलो कैसे 634 फोर करोड़ रुपीज का इन्वेंट्री बढ़ा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये मैंने क्लास में सिखाया भी है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली करंट अट्स उसमें पैसा इन्वेस्ट कहां से किया मैंने मैंने मेरा प्रॉफिट ही प्लाउ बैक किया है सो so मीनस कैश जनरेटेड इट इसका मतलब क्या है कैश जनरेटेड इज लेसर दे प्रॉफिट कैश जनरेटेड इज लेसर अगर मेरा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है बच्चों जब यह क्या आया मेरा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है सो इफ इट इज ए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इट मींस कैश जनरेटेड इज मोर तो यह आपको समझना है कैश जनरेटेड इज

तो पहले आपको यह समझना है कि मेरे ऑपरेशन से यह जो है करोड़ है है प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट से कैश पे जाना है तो मुझे नंबर वन वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने पड़ते हैं नंबर टू टैक्स का इफेक्ट देना पड़ता है एंड दैट इज हाउ आई गेट हियर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो अगर आप देखोगे इस कंपनी ने किया क्या है सिक्स नाइनटी करोड़ रुपीज जनरेट किए सिक्स नाइनटी करोड़ कहां से जनरेट किए इसने कहा से जनरेट किया ऑपरेशन से और उसने 876 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है नेट बेसिस पे उसने फिक्स असेट परचेस किए 862 के इन्वेस्टमेंट्स कुछ परचेस किए कुछ फिक्स असेट सेल किए नेट नेट बेसिस पे उसने अपने धंधे में पैसा लगाया है मतलब ये कंपनी क्या हो रहा है ग्रोथ फेज वाला कंपनी है और इसको फाइनेंस करने के लिए इसके पास पूरा पैसा नहीं था तो उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन ले लिया होगा प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स देखो ये बोरो किया है कुछ लोन रीपे किया पुराना लोन रीपे किया होगा नया लोन ले लिया है तो नेट बेसिस पे उसने 145 करोड़ रुपीस बोरो किया है टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन राइट तो ये है आपका बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग ये लेक्चर्स के अंदर मैंने बहुत डिटेल से सिखाया हुआ है मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे इंटरप्रिट करना है उसको दे दिया सो so, हम कर क्या रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है उसको हम पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे लेके आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करते हैं और फिर कैश फ्लो निकालते हैं अब मैंने क्या बोला था तीन हमें समझ लेने है। वो तो आपको जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट से या पावर प्रेजेंटेशन से मिलेगा दिस नंबर वन जीरो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या कंपनी के फाइनेंशियल से समझ में आएगा 1054 डेशन नीचे माइनस किया है ये लास्ट सेंडे के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसका इबिडा एपीएल अपलोड ट्यूब का कितना है 1022 जीरो टू टू क्रोर्स और नीचे अगर मैं इसका कैश फ्लो देखू तो कैश फ्लो में यहां पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना है so बट मुझे इसका फ्री कैश फ्लो निकालना है और ये फ्री कैश फ्लो का यूज क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं जस्ट वेट करिए दस पंद्रह मिनट लगेगा कैलकुलेट करना आसान नहीं है एक ईयर का बहुत आसान है बहुत सिंपल है एक साल का मैं अगर कैलकुलेट करने जाऊं इट मार्च 2023 में एपीएलो ने 690 करोड़ का कैश जनरेट किया से, और उसने 862K, मतलब रफली उसने एट हंड्रेड एंड फोर्टी टू के असेट्स परचेस किए सो मेरे लिए क्या करना है सी एफ ओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो सिक्स नाइनटी बट

आपके इमरजेंसी नीड्स के लिए आपको जो बाजू रखना है या फ्यूचर नीड्स के लिए जो पैसा बाजू रखना है वो बाजू रख लिया आपने। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम फ्री कैश फ्लो बोलते हैं अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो ज्यादा जनरेट कर रही है इसका मतलब उसके पास डेट रीपे करने की कैपेबिलिटी है उसका मतलब उसके पास शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देने की कैपेबिलिटी है डिविडेंड के फॉर्म में सो आई वांट टू चेक वेदर कंपनी इज जनरेटिंग फ्री कैश फ्लो क्यों आज शेयर होल्डर मैंने कंपनी में पैसा लगाया भाई साहब मेरे को पैसा वापस कब आएगा अगर वो कंपनी में फ्री कैश फ्लो जनरेट किया तभी मुझे पैसा वापस मिलेगा ना अगर वो कंपनी ने फ्री कैश जनरेट किया ही नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा तुम्हारे मम्मी पापा जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने अगर उनके बिजनेस में फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट किया तो तुम्हें पॉकेट मनी या तुम्हें उड़ाने के लिए पैसा फोन खरीदने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा आएगा कहां से अब आपको समझ में आया ना फ्री कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस आप इमेजिन करो तुम्हारा माँ बाप बिजनेस है तुम शेयर होल्डर है तुमको पैसा कब आएगा जब तुम्हारे माँ बाप के पास इनफ मनी है आफ्टर मीटिंग ऑल देयर कमिटमेंट्स समझी बात अब जस्ट तुमको खुद को रिप्लेस करो माँ बाप को रिप्लेस करो इमेजिन एपीएल अपोलो इज अ कंपनी मैं एक शेयर होल्डर हूं बात समझ में आई ना तो मुझे पैसा कब मिलेगा जब एपीएल अपोलो फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा तब जाके पैसा आता है फ्री कैश फ्लो कैसे आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है आपको बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न तो उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो है उसमें से मैं लोन रिपे करूंगा उसमें से मैं डिविडेंड दे सकता हूं तो बिजनेस फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है

लाइन समझ में आई क्या क्या बोला ग्रोथ ऑफ शेयर प्राइस इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ फ्री कैश फ्लो ये ऐसा क्यों होता है वो समझने के लिए तुमको थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझना पड़ेगा लेकिन अभी हम फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं उसका ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं और फिर चेक करते हैं शेयर प्राइस के ग्रोथ से वो एप्रोक्सीमेट बेसिस पे मैच होता है क्या बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं वापस मैं फ्री कैश फ्लो बोल रहा हूं इसका करेक्ट वर्जन जो होता है वो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होता है बट उसके लिए आपको लिवरेज लिवर्ड बीटा बीटा लिवर्ड फर्म फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी उतना फाइनेंस में पहले दिन जाने की जरूरत नहीं है अभी पहला मोटा मोटा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं वो इंटरेस्ट अभी मैं डेवलप करके दिखाता हूं तुमको राइट आई होप यू आर मैड यो लेटस स्टार्ट लाइन वापस बोलो क्या लाइन है टाइप करो चैट बॉक्स में मुझे दिख नहीं रहा है चैट बॉक्स बट आई होप तुम लोग टाइप कर रहे ग्रोथ ऑफ शेयर प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ग्रोथ ऑफ फ्री कैश फ्लो तो अभी इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं चलो मैं जा रहा हूं स्क्रीनर पे वापस मैं यहां पर एचयूएल का लेने वाला हूं क्योंकि ये जो कंपनी एपीएल अपोलो दिस नॉट जनरेट अ फ्री कैश फ्लो ये लाइन जो मैंने लिख के दिया दिस लाइन वर्क फॉर मैच्यूर्ड कंपनीज रिमेंबर दिस लाइन विल नॉट वर्क फॉर कंपनीज आर इन ग्रोथ फेज क्योंकि ग्रोथ फेज वाले कंपनीज को फ्री कैश फ्लो जनरेट करने को टाइम लगता है प्लीज रिमेंबर शेयर मार्केट और द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म शेयर मार्केट क्या करता है फ्यूचर की चीजों को डिस्काउंट करता है तो अभी एपीएल अपोलो इवन दो इट इज नॉट जनरेटिंग अ फ्री कैश फ्लो

एक्सेल में एक्सपोर्ट किया उसको Let me just open that file. So, ये screener का file है वो मैं open कर रहा हूं. So, just a second, पूरा screen आपको दिख रहा होगा दिस फाइल इज ओपन यहां पर स्क्रीनर जो शीट देता है ना उसको कभी भी टच नहीं करने का उसको हाथ भी नहीं लगाने का उसको data sheet के बाकी शीट में जो करना है वो कर लो ऑलवेज प्रेफर टू इंसर्ट अट एंडालिस या ऑलरेडी वहां पे कैश फ्लो का एक शीट है उसमें मैं कुछ एडिशनल चीजें डालूंगा और एनालिसिस करूंगा मैं फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करूंगा कुछ रेशो कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद एक का प्रो आएगा, को यूज करने के लिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको टाइम लगेगा बट मेरा काम है आपका माइंड इग्नाइट करना तो ये डेटा शीट को हाथ नहीं लगाने का कैश फ्लो शीट पे आ गया यहां पर बहुत ब्रीफ में कैश फ्लो भी आया यार स्क्रीनर ना पूरा कैश फ्लो देता ही नहीं।, वो उसके पे पूरा लेकिन पे नहीं देता कुछ नहीं कर सकते थोड़ा करना पड़ेगा सुन लो हमारे पास एक्सेस तो नहीं है तो यहां पर उसने ब्रॉड बेसिस पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिया है एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दे दिया है फ्रॉम मार्च टू मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ठीक है अब देखो हा बचो देखो क्या करना है फ्री कैश फ्लो निकालना है राइट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट अ फ्री कैश फ्लो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना है बहुत आसान है तो उसके पहले मैं थोड़ा सा और डिगिंग करना चाहता हूं आई वॉन्ट टू कैलकुलेट सम विल हेल्प मी टू गेट अ डेटा लिसन अप एक्सट्रीमली केयरफुली पी एंड एल अकाउंट जाके देखता हूं मैं यहां पर पी एंड एल का डेटा

इक्वल टू गया पीएडएल के शीट में और के शीट में मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इज इक्वल टू कर दिया लिंक लगा दियाटिंग प्रॉफिटिंग डेप्रीसिएशन मतलब इट इज लॉजिकली क्या होना चाहिए ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने कंपनी ने बोलो क्या करना चाहिए कैश में कन्वर्ट करना चाहिए आई नीड टू कैलक्यूलेट वेदर आई नीड टू चेक क्या यह कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पाई या नहीं कर पाई देखते हैं तो मैं इबिडा लिखा वो आगे फॉर्मूला मैं कॉपी करूंगा अब देखो मैं क्या निकाल रहा हूं एक रेशो निकल रहा हूं क्या रेशो है वो सी एफ ओ सी एफ ओ इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिवाइडेड बाईटी डी ए बिगर द बेटर ये रेशो क्या इंडिकेट करेगा मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट किया डिवाइडेड बाय इबिडा

So, ये रेशो में डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां पे निकाल रहा हूं टाक्स पेड. टाक्स पेड कितना है वो तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट से जाके निकालना पड़ता है यहां पर अपने पास डेटा जो चाहिए यहां पर एल के अंदर टैक्स है तो एल के अंदर जो टैक्स रहता है ये टैक्स पेएबल रहता है पीएनएल टैक्स पेएबल टैक्स पेड थोड़ा सा अलग रहता है एग्जैक्ट सेम नहीं रहता है तो मैं यहां पे कर रहा हूं अगर आपको एग्जैक्ट टैक्स पेड का अमाउंट चाहिए आपको स्क्रीनर पे जाना पड़ेगा वापस उधर कैश फ्लो में जाना पड़ेगा और कैश फ्लो में यहां पर माइनस करना पड़ेगा और ये जो डायरेक्ट टैक्स है उसको आपको ऐसा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना पड़ेगा और वो डेटा मार्च 2012 से है लेकिन यहां पर मुझे चाहिए मार्च 2014 से एक्सेल में 10 साल का डेटा आता है तो टैक्स पेड एंड टैक्स डेबिटेड टू पी एंड एल थोड़ा अलग रहता है चलो हम एक्चुअल लेते हैं

ये जो आ चुका है ये 2012 से है तो पहले दो साल मुझे इग्नोर करने हैं वहां से आगे मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और यहां पे कंट्रोल वी कर लिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया ठीक है मैंने मैन्युअली कॉपी पेस्ट किया आई हैव हियर मैन्युअली अगर आपको टैक्स प्रोवाइडेड कहिए टैक्स डेबिटेड टू पी एंड एल वो मैं ऑटोमेटिकली ला सकता हूं टैक्स डेबिटेड टू पी एंड एल प्लीज कॉन्सेंट्रेट चीजें बहुत बदलेगी यू विल गो मैड एट द एंड

I don't want reference to टू table. By default वहाँ पे table आ चुका है हा 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 ये reference क्या कर रहा है वो table का reference ले रहा है गदाप This is not I need to remove the formatting. इसका data जो है ये this is formatted as a table. So मुझे ये table का formatting निकालना पड़ेगा पहले ये Excel का feature होता है format as a table. तो यहाँ पर आ गया मैं मुझे कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना पड़ेगा इसको राइट right क्लिक करके इधर टेबल रहता है कन्वर्ट टू रेंज ऑप्शन है यू शुड नो द एक्सेल फीचर कन्वर्ट टू नॉर्मल रेंज यस मैंने उसको नॉर्मल रेंज को कन्वर्ट किया अब जाके मैं फॉर्मूला उसको कॉपी कर पाऊंगा अभी देखो चीज चेंज हो गया नाउ इट इज पी एंड एल दिस इज अ टेक्निकल पॉइंट यू नीड टू नो एक्सेल यू नीड टू बी प्रो इन एक्सेल देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस मैंने इसको इज इक्वल टू किया सो so, ये बाय डिफॉल्ट टेबल के फॉर्मेट में था So, मैंने लिंक लगा के रख दिया उसको सो ठीक है टैक्स डेबिटेड टू पी एंड एल एंड टैक्स पेड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा फर्क है ऑब्जर्व करना को तो मैं ऐसे ही यहां से ले सकता हूं ऊपर चेक करना नाउ जस्ट वेट है एंड टैक्स पेड है ठीक है सो अब मैं क्या निकाल रहा हूं सुच चेक करना आई एम सेइंग कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स पेमेंट क्योंकि इबिडा वाज बिफोर टैक्स पेमेंट इज योअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे यह चेक करना है कि इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना परसेंटेज अमाउंट कैश में कन्वर्ट हुआ यह बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है बिजनेस की कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स कैसे निकालूंगा मैं ये देखो ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एडबैक प्लस टैक्स करूंगा मैं सो तो, ये ऑलरेडी माइनस था सो टू फोर शेट शिट शिट, शिट, शिट. मुझे इसको क्या करना पड़ेगा ये टैक्स पेड जो है वो ऑलरेडी माइनस है तो मैं माइनस करता हूं तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा 3818 तुमने ऑपरेटिंग डोन्ट फरगेट दैट वन थ्री एट फोर तो मैंने वन थ्री एट फोर जो माइनस हुआ था तो उसको एड्रैक्ट किया फाइव टू जीरो और मैंने उस फॉर्मूला को कॉपी किया एंड नाउ यूर गोना गो मैड पहला रेशो आ रहा है बच्चों लुक एट इट जस्ट कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट रेशो इज वॉट आई एम गेटिंग दिस फर्स्ट रेशो इज बेसिकली वॉट सी एफ ओ ये रेशो कैलकुलेट करना चाहिए सीएफओ डिवाइडेड बाई इबिडा तुमने ईबीआईटी डी ए सी एफ ओ कौन सा लेने का है कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई इबिडा HCL has generated this year 109 एंड नाइन परसेंट आप बोले चमत्कार हुआ कैन यू जनरेट मोर कैश बेटा पिछले साल के जो डेटर्स होंगे हो हो या पिछले साल का जो इन्वेंट्री खरीदा था वो इन्वेंट्री करंट ईयर में बेचा होगा दिमाग चलना चाहिए फास्ट स्पीड पे देख अगले साल वो कम हो गया 95 परसेंट हो गया मतलब क्या है ये जो प्रॉफिट था तुम्हारा 5412 करोड़ का वो ऊपर से कॉपी किया मैंने उस प्रॉफिट में से उन्होंने लगभग लगभग 95 परसेंट प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया लाइक टू लाइक कंपैरिजन। डोंट कंपेयर एप्पल विथ माइक्रोमैक्स डोंट कंपेयर इंडिया विथ पाकिस्तान सो फिगर कम्स अप हियर। सो लुक एट दिस ऑन एन एवरेज एचुअल एवरेज क्या है मैं यहां पे एवरेज निकालता हूं पिछले 10 साल का अगर मैं डेटा देखू आई डोंट नो हाउ मनी हाउ गॉन मैड सो इफ यू आर गॉन मैड टाइप गॉन मैड

टू एंश्योर दूडेंट और उसके ऊपर बच्चों का रिस्पॉन्सॉट कन्वर्ट यूर गर्लफ्रेंड इन टू वाइफ आपके पास ऑफ सॉल्टे बच्चे भी ऐसे हो चुके हैं सो सी एपॉन इबिडा यह पहला रेशो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया आपको मैंने कैश फ्लो से क्या किया टैक्स ले लिया टैक्स डेब्यू पी एंडल मैंने इग्नोर करना चाहिए क्योंकि टैक्स है तो मैंने क्या किया कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स और फिर मैंने सी एफ ओ निकाला यहां पर मुझे एक्सेल में दिक्कत आया था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट प्रॉफिट ठीक है दैट इज ओके अब देखो अब मुझे निकालना है फ्री कैश फ्लो सुन लेना बच्चों अब तक हमने क्या निकाला सिर्फ अब तक हमने कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स निकाला इबिडा निकाला मुझे ग्रोथ रेट चाहिए ग्रोथ रेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सी एफ ओ Cash from operations, ये है, Cash generated before tax को मैंने क्या बोला? उसका growth चाहिए मुझे. Why? Is the business able to grow? business growth है क्या? देखते हैं देखो कैसे ग्रोथ निकालूंगा करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर फिगर सो इंटू ये मैंने उसको परसेंटेज किया सो so, उज डिड नॉट ग्रू सबेंट ने ग्रो हुए है? ये सिंपल एवरेज है कंपाउंडेड एवरेज नहीं है ये कंपाउंडेड एवरेज अलग से निकलना पड़ेगा मुझे सो रफली ऑन एन एवरेज इलेवन परसेंट सिंपल एवरेज से तुमने क्या किया है तुम्हारे कैश फ्लो ग्रोक्रिय है कौन से कैश दीज फ्लोज्लोज बिफोर ऑपरे कैश फ्लो बिफोर टैक्स फ्रॉम ऑपरेशन लेकिन जाना मुझे कहां पर है बच्चों मुझे जाना है फ्री कैश फ्लो की तरफ तो चलिए फ्री कैश फ्लो की तरफ जाते हैं हम फ्री कैश फ्लो कैसे आएगा

एंड एल में देख पी एल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 14, अब नीचे कैश फ्लो में देख तू कैश फ्लो में आ जाऊजेंड जीरो हम अकाउंटिंग थ्री में क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फोर्टीन थाउजेंड जीरोन थाउजेंड जीरो माइनस करके ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लाया नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन नाइन थाउजेंड नाइन सो दबाउ फिगर यहां पर वापस आ गया यहां पे लिखता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर अनफॉर्चुनेटली ये जो एक्सेल शीट डाउनलोड किया जाता है स्क्रीनर से वहां पर वो कैपेक्स देता नहीं है कैश फ्लो में के ब्रेकअप जो है स्क्रीनर एक्सपांड करके नहीं देता है तो हमें मैन्युअली इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा जस्ट लाइक वी टुक इट फॉर टैक्स सो टेक मैन्युअली ये ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर आपके पास बाईस लाख रुपया है तो आप ब्लूम्बक खरीदो और खुद के पास रखो हाँ सो so, मैं कैपेक्स पे जा रहा हूं यहां पे गया मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे कहां पे मिलेगा बच्चों बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे मिलेगा आई विल गेट इट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फिक्स असेट परचेस तो मैं यहां पर ये दो लाइन को कॉपी कर रहा हूं फिक्स एसेट परचेस और फिक्स को कंट्रोल सी कर रहा हूं इसको सिलेक्ट करके और यहां पे आके मैं कंट्रोल वी करता हूं और और आई विल पेस्ट इट इन फॉर्मेट ये पहले के दो साल जो है वो निकालने हैं तो मैं क्या करता हूं आगे का जो डेटा है उसको कंट्रोल एक्स करके पहले कंट्रोल वी करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैंने वो डेटा को पीछे ले लिया ठीक है आई जस्ट टुक दैट डेटा बैक सो जस्ट लिसा

बहुत सारे लोगों को वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है मैं यहाँ पर मतलब वो एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है सीए फाइनल में आओगे और वैल्यूएशन सीखना चाहोगे तो समझेगा आपको बट ये आज इतना भी समझ लेना फ्री कैश फ्लो तभी भी आपके लिए काफी लर्निंग है सो अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं फ्री कैश फ्लो बहुत सारे लोग फिक्स असेट सोल्ड लेते नहीं है इसमें लॉजिकली आपने फिक्स असेट सोल्ड लेना चाहिए बिकॉज नेट मेरा कैपेक्स कितना है दिस इज माई नेट कैपेक्स नेट कैपेक्स मतलब क्या इन दोनों का टोटल लेना है तो उस साल में नेगेटिव मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है पॉजिटिव आया तो मतलब आपने असेट ज्यादा बेचे तो मार्च ट्वेंटी वन में इन्होंने एक बिजनेस एक्वायर किया था ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन करके जीएसके एसके को एक्वायर किया था तो उसके लिए उनके एक्सपेंडिचर वहां पर ज्यादा दिख रहा है तो फ्री कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो कैसे निकालूंगा मैं अभी देखो मेरे पास ऑलरेडी क्या है फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या बोला था मैंने प्लीज कॉन्सेंट्रेट यूर कैश फ्लो इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैपेक्स लेकिन कैपेक्स का साइन ऑलरेडी नीचे हमारे पास माइनस है तो मैं प्लस लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कैपेक्स मैंने माइनस लिखा है मैंने नेट कैपेक्स लिया है सम पीपल टेक ग्रॉस कैपेक्स ग्रॉस कैपेक्स इज बेसिकली फिक्स परचेज था यह अलग अलग है तो लोग ग्रॉस लेते हैं तो डू इट विदरेंस टू ग्रॉस ग्रॉस में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वापस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस ये फिक्स असेट परचेज ग्रॉस और यह आ गया तुम्हारा फ्री कैश फ्लो

ओके okay, ये पहले फ्री कैश फ्लो आया ठीक है और एक चीज देखना मच मच ऑफ ऑफ़ फ्री कैश हाउ परसेंटेज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंट डिफरेंट अभी क्या क्या रेशो निकाल सकते प्रपोर्शन ऑफ फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सो देखो अलग अलग रेशो निकाल सकते आप जस्ट ऑब्जर्व एफ सी एफ टू सेल्स

किसमें फ्री कैश फ्लो में इमेजिन इट्स सेल्स इज लाइक योर ग्रॉस सैलरी ऑफ योर फादर आउट ऑफ दैट हाउ मच योर फादर इज एबल टू लीव बैक और हाउ मच योर फैमिली इज एबल टू टू लीव बैक सो फ्री कैश फ्लो नंबर मेरे को समझ में है, मोटा मोटी बेसिस पर आपको नंबर समझने पड़ेंगे सो so, आप ऐसे अलग अलग रेशियोज निकाल सकते हो कैश फ्लो टू सेल्स कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट एंड यू ट्राई टू सी विच वन सीम्स मोर एक्यूरेट अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कैश फ्लो का ग्रोथ निकल रहा हूं लास्ट पॉइंट एंड के लिए तो मैं ग्रोथ निकाल नहीं सकता हूं तो ग्रोथ कैसे आएगा दिसनस लास्ट इन नंबर डिवाइडेड बाई लास्टर्स नंबर सिंपल मैंने इसको परसेंटेज में नहीं लिखा है ठीक है क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको एक एक मैथ्स का बहुत खतरनाक बोलने वाला हूं इसको मैंने क्या किया आगे जाके मैंने लेके गया आई अ ग्रोथ फोर डिजिट्स uh, so year, किया इसमें निगेटिव ग्रोथ था इसमें ठीक था, 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 है दीज आर टेन ईयर्स बट दिगर से दस मार्च 2014 से लेके मार्च 2023 इस इज नाइन इयर्स कैलेंडर ईयर से आप अगर मेजर करोगे तो नाइन इयर्स है अब देखो मैं क्या कर रहा हूं नाइन है फिगर्स टेन है मैंने आपको ये बोला था कहीं ना कहीं तो लास्ट संडे के लेक्चर में फिगर्स आर आर बट इयर्स नाइन जस्ट वेट गोना गो मैड नाउ लुक एट दिस आई एम फाइंडिंग सी ए जी आर ऑफ सी ए जी आर ऑफ एफ सी एफ जस्ट वेट बच्चो पिछले नौ साल में

3212 करोड़ का कैश फ्लो था माइनस फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू यहां पर है वो मैंने प्रेजेंट वैल्यू को माइनस टाइप किया 8799 हो गया वो टाइप मैंने नहीं दिया गेस नहीं दिया एक्सेल ने मुझे आंसर लाकर दिखाया 11.81% परसेंट, 11 85% व्हाट इज 11.85% फ्री कैश फ्लो ग्रोथ ये फ्री कैश फ्लो मैंने कैसे निकाला बच्चों ये फ्री कैश फ्लो विद रिस्पेक्ट टू ग्रॉस कैपेक्स ये कैपेक्स के हिसाब से नहीं था नाउ इट इज अब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है बच्चों, ये है। है। आप देखो you are gonna go mad. Just second. मैं उसको नीचे आ रहा हूं. मुझे क्या चाहिए? इन लोगों का बहुत अच्छा फाउंडेशन में आपने एक चीज सीखा होगा ज्योमेट्रिक मीन सी एर इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ एवरी एवरी ईयर ग्रोथ रेट जो है ना ईयर ऑन ईयर हमने ग्रोथ रेट निकाला बच्चों ये देखो ये जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है आप क्या करो वन प्लस ग्रोथ रेट ऑफ दैट ईयर वन प्लस आर जिन लोगों को जोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद है मीन प्लस 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 टू अपॉन माइनस था अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं दिस इज जस्ट टू मेक यू मैड इन मैथ्स वन प्लस वन प्लस दिस नंबर ले रहा हूं तो बेसिकली इसका मतलब क्या है अगर आपके पास ईयर के बिगिनिंग में वन रुपी था तो ईयर के एंड में एट्टी फोर पैसा हो गया सेकंड ईयर के बिगिनिंग में आपके, आपके पास वन रुपी था, क्या कर रहा हूं मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूं जियो मीन जियो मीन जियो मीन ऑफ वॉट ऑफ ईयरली ग्रेड्स ऑफ इयरली रेट्स एक्सेल में एक फंक्शन है विथ इज नथिंग बट सीएजीआर ये जस्ट ऐसा ही पागलपन है मैं अकाउंटेंट हूँ ना तो मेरे को ऐसा क्रॉस वेरीफाई करने में बहुत मजा आता है मेरे को कुचली अंदर से जो मीन ऑफ व्हाट दिस ऑल इयर्स ये कॉन्सेप्ट देखो एक्जेक्टली सेम नंबर आया 11.85 परसेंट � 11.8474 ऊपर का नंबर भी 11.84 था ये अगर आप समझोगे ना तो आप CA final में जाके bond के calculations बहुत अच्छे से समझ पाओगे bond के कैलकुलट होते हैं के forward rates होते हैं ये मैंने सिर्फ दिमाग को ना कीड़ा लगाने के की लिए explain किया अब रुको, अब रुको और खतरनाक कंसेप्ट लाइन क्या बोला था जो आपको बॉक्स में अपने लिखा था लाइन बोलो वापस सीएजीआर ऑफ फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू अप्रोक्सिमेट सीएजीआर ऑफ शेयर प्राइस ग्रोथ अब शेयर प्राइस में साफ क्या हुआ यहां पर मैं शेयर प्राइस लेके आता हूं शेयर प्राइस क्या था ये अप्रोक्सिमेट शेयर प्राइस जो है ना वो डेटा शीट में रहता है मैं डेटा शीट में जा रहा हूं डेटा शीट में यहां पर क्लोजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शेयर प्राइस क्या था वो एंड में लिखा रहता है कहीं ना कहीं तो कहां पे गए हाँ प्राइस दिस वॉज अ प्राइस ऑफ अ शेयर लुक एट दिस सिक्स जीरो फाइव में यहां पर कैश फ्लो शीट में लेके आ रहा हूं शेयर प्राइस is equal to this. Duk, 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 duk. Share price equal to this. So share price लेके आया मैं यहाँ पर. अब देखो year on year share price आ गया. ठीक है? पिछले नौ साल का share दस साल का share price है. Do you wanna go mad? Now let me calculate CAGR of share price. CAGR of share price. ये geometric mean वाला formula छोड़ दो. मैं basic formula लगाऊँगा. क्या formula है? रेट इक्वल टू नाइन कॉमा पीएमटी नहीं है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियली सिक्स जीरो बोनस स्प्लिट कुछ नहीं है इसलिए मैंने परपोज लिए कंपनी लिया है बोनस स्प्लिट होता तो आपको शेयर प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है या एडजस्टेड प्राइस लेना पड़ता है तो ये हो गया गैस छोड़ दिया ये कितना आया बच्चों आया ये आया सेवेंटीन पॉइंट थ्री सेवन फोर क्यों ये डिफरेंस क्यों है डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैंने फ्री कैश फ्लो में मैंने ग्रॉस कैपेक्स लिया था अगर मैं नेट कैपेक्स लू ना तो डेटा मेरा अच्छा आएगा और क्योंकि जो इनफ्लो हुआ था वो हमने कंसिडर किया ही नहीं इसलिए मैंने बोला नेट नेट कैपेक्स में मुझे क्या करना पड़ेगा ये बी सोलह की जगह पे बी अठारह लेना पड़ेगा अगर मैं नेट पे ऊपर जाऊं तो और मैं यहां पे ग्रॉस का क्या करता हूं नेट करता हूं तो वी विल गेट वेरी क्लोज नेट कैपेक्स ले लिया मैंने प्राइस है ईयर ऑन ईयर एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के लिए मैच नहीं होता तो नेट कैपेक्स लेके मेरा सीएजीआर हैज गॉन अप टू 11.24 एंड सीएजीआर ऑफ शेयर प्राइस ऑफ लास्ट 9 इयर्स इज 17% बट एक काम करो स्क्रीनर पे आ जाओ स्क्रीनर पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा हूं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नीचे देखो 10 साल का जो ग्रोथ है वो बहुत क्लोज है देखो 10 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ सॉरी शेयर प्राइस का ग्रोथ स्टॉक प्राइस ग्रोथ ऑफ लास्ट 10 इयर्स इज 15%

मुझे फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रहा था तू वो आर्टिकल व्हाट्सएप कर मैं आपको यहाँ पे आ, ये सेशन खत्म होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा और जो भी चीजें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ स्मार्ट बाइट्स का ग्रुप उसका भी लिंक लगा दूंगा आपको क्या समझा बेटा इससे फ्री कैश फ्लो जो है वो फ्री कैश फ्लो का जो ग्रोथ रेट है उस ग्रोथ रेट का बहुत बड़ा लिंक होता है नंबर वन शेयर प्राइस से क्यों होता है उसके लिए तुमको थोड़ा फाइनेंस समझना पड़ेगा आज मेरा काम यह था सिर्फ कि फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके ऊपर तो आया कि कंपनी के पास सच में कैपेबिलिटी है क्या जैसे एक क्रिकेटर के पास कैपेबिलिटी है क्या 50 रन को सेंचुरी में कन्वर्ट करने की तो वैसे ही बिजनेस के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है ये हमें समझना पड़ता है अब देखो कि कैश चीज ये मैंने कैलकुलेशन किए सारे यहां पर किसके लिए कैलकुलेशन किया के लिए कैलकुलेशन बोलो किसके लिए कैलकुलेशन एचयूएल के लिए अगर ये कैलकुलेशन मुझे डाबर के लिए करने हैं तो वापस डाबर का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा बेटा वापस डाबर के लिए सब चीजें करनी पड़ेगी हा हा आंसर इज ना कुछ चीजें ही करनी पड़ेगी स्क्रीनर के पास एक बहुत बढ़िया फीचर है खतरनाक ठीक है दिस इज अ जन्नत अन्नत कमिंग योर वे इन टू मिनट्स ये जो मैन्युअल फिगर लिए वो छोड़ के बाकी सारे फिगर करेक्ट आ जाएंगे ये फाइल जो है ना इसको सेव करने का मैंने कंट्रोल एस किया कस्टमाइजेशन करके एक शीट है उसमें जाने का देखो यू कैन कस्टमाइज दिस वर्कबुक और उसके नीचे क्या लिखा है पढ़ो यू कैन एड कस्टम फॉर्मेटिंग एड कंडीशनल फॉर्मेटिंग एड योर ओन फॉर्मुलाज यू कैन डू एनीथिंग दैट यू प्लीज डोंट एडिट डेटा शीट हमने डेटा शीट एडिट नहीं किया एंड अपलोड इट एट दिस पर्टिकुलर लिंक मैं उस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं उस लिंक पे मैं ये कस्टमाइज फाइल अपलोड करूंगा मेरी अभी मैंने ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं किया है मैंने सिर्फ कैश फ्लो वाला जो शीट था उस पर बेसिक मैं वो फाइल को बंद करता हूं और मैं वहां पर वापस गया मैंने क्या किया बच्चों हमने कुछ कस्टमाइजेशन किए थे वो फाइल को मैंने सेव किया अब वो फाइल को मैं अपलोड करता हूं कहां पर वो जो लिंक दिया था लुक एट दिस अपलोड चूज फाइल पे गया मैं डाउनलोड्स में मेरा फाइल रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर वो ट्रेंड का उस दिन का फाइल है संडे का हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने किया आई क्लिक ऑन अपलोड अपलोड हो गया खत्म क्या है अब मैं डाबर या कोई भी कंपनी का डेटा डाउनलोड करूं कोई भी कंपनी का डेटा डाउनलोड करूं वो जो कैश फ्लो में मैंने कस्टमाइजेशन किए थे वो मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा इमीडिएटली मिल जाएगा सो so, विवेक गर्ग ने मुझे मार्शलस का लिंक भेज दिया है सो so, ये जो मैंने कंसेप्ट बोला ना बच्चों बहुत पावरफुल है जो बच्चे इंटरमीडिएट में है उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है तो ये लिंक मैं पहले टेलीग्राम ग्रुप पे जो स्मार्ट बाइट्स का ग्रुप मैंने बनाया है अभिषेक जावरे स्मार्ट बाइट्स उस ग्रुप पे मैं शेयर कर रहा हूं सो दैट गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग फॉर अ पोर्टफोलियो ये जो है ना पोर्टफोलियो के लिए आपने दिमाग लगाना चाहिए चलो अब देखते हैं अभी क्या देखना है बच्चों पागल होने का तुमको जन्नत क्या आएगा फाउंडेशन के बच्चों को नहीं समझेगा मैंने क्लियरली बोला था ये लेक्चर सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए नहीं है ये चलो मैं कहां पे आ गया इंडिया हो गया, मैं कंट्रोल जे गया अब ये क्या आया हिस्ट्री में गया मैं कंट्रोल जे डाबर इंडिया क्लिक किया मैंने डाबर इंडिया का फाइल ओपन हो रहा है डाबर इंडिया इज गेटिंग ओपन जस्ट सेकेंड यस ऑटोमेटिकली देखो कैश फ्लो सीट पे सारे के सारे कस्टमेशन होते क्या, क्या, ना वो रह गया देखो बाकी सारे रेशोज उसने कैलकुलेट कर दिए लेकिन वो रेशोज गलत है ऑब्वियसली क्योंकि डेटा किसका है वो मैनुअल डेटा जो है वो किसका है मैन्युअल डेटा किसका है वो वो एच यूएल का है अब मुझे क्या करना है यहाँ पर सिर्फ डाबर का डेटा कॉपी करना है टैक्स पेड मैनुअली

अरे बच्चों दिमाग पागल हो गया कि नहीं डाबर का रेशो जाकर देखो नीचे 110%, 96%, 96, परसेंट अब आपको क्या करना है एक कंपनी कमीना है या नहीं है वो समझने के लिए आपको करना क्या है ये जो रेशो है ना बच्चों कैश फ्लो टू द डाबर का निकालो ए, 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 का निकालो देन यू कैन फाइंड इट आउट फॉर लेट से समथिंग लाइक मैरिको सेम सेक्टर के कंपनीज का रेशो देखाओ आपको दो मिनट में समझेगा कौन सा प्रमोटर चोर है कौन सा कंपनी चोर है क्यों आपको एक बार रेशो आ गया इंडस्ट्री का रेशियो लगभग लगभग सेम रहना चाहिए देखा क्या तुमने एचुअल का जो डेटा था और डाबर का जो एवरेज है बहुत है। सारे डाबर के सारा ले ले हमने। फिर क्या करना है मुझे कैपेक्स मैन्युअली लेना पड़ेगा ना डाबर का कैपेक्स मैन्युअली लेता हूं गो मैड डाबा डाबा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज

एक सेकंड दिस इज नथिंग बट द टोटल ऑफ दिस टू टू वन थ्री आई जस्ट रीचेंज इट आई नो दैट मच ऑफ एक्सेल हमको यहां पे टाइम पास आदमी नहीं है सो नेट कैपेक्स आ गया फ्री कैश फ्लो विथ रेफरेंस टू नेट कैपेक्स आ गया फ्री कैश फ्लो टू सेल्स आ गया ग्रोथ आ गया डाबर का शेयर प्राइस उस टाइम पे क्या था वो नीचे आ गया डेटा शीट से ऑटोमेटिकली देखो डाबर का प्राइस आ गया सीएजीआर ऑफ फ्री कैश फ्लो फॉर डाबर इज जस्ट वन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट अभी डाबर का शेयर प्राइस में स्प्लिट भी हो सकता है फ्री कैश फ्लो डाबर के जस्ट लेट बी चेक द फ्री कैश फ्लो हाँ डाबर इज नॉट डाबर इज एबल टू कन्वर्ट इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अच्छा मुझे और एक चीज बता बाकी है रुको रुको डाबर इज एबल टू कन्वर्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन टू कैश फ्लो बट द ग्रोथ रेट ऑफ डाबर इज नॉट दैट हाई

पॉसिबल है बिजनेस सेल किया होगा या बिजनेस में स्लो डाउन होगा बट दैट स्लो डाउन मस्ट बी टेम्पररी क्योंकि अभी स्लो डाउन आया इसका मतलब ये नहीं है कि डाबर में फॉर एवर डाउन आएगा यू नीड टू जस्ट लुक एट द थिंग्स सो अब देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड सी ये लेक्चर कोई नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है अगर आप टिपिकल चार्ट अकाउंटिंग से करोगे तो बच्चों नहीं आएगा आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में ये चीज सिंपल नहीं है ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है मैं इसको कुछ भी करूँ मतलब आई ट्राइड टू टू एज एज मच पॉसिबल यू गिव इट टाइम टाइम प्रॉब्लम क्या है ना बच्चा इको देना ही नहीं है उसको पहले ही मिनट में सब कुछ समझना चाहिए नहीं हो सकता बेटा समझ ही नहीं सकता डेटा ऐसा है अब ने जो हिंदुस्तानी का किया था ना मी ओपन दैट शीट अगेन आई टू शो यू विल गो क्रेजी दिस इज लास्ट पॉइंट लिसन अप हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का शीट ओपन हो रहा है जस्ट ऑब्जर्व ओपन हो रहा है फाइल हाँ हिंदुस्तानी फ्री कैश फ्लो कैल्कुलेट किया था कितना फ्री कैश फ्लो कर लास्ट टेन ईयर में अमाउंट बोलो कितना है 53 ,522. 53 ,522. अब इसका डेटा तिजोरी पे आपको मिलता है रेडिली अवेलेबल कहां पर जाने का आपको तिजोरी तिजोरी करके स्क्रीनर का कॉम्पिटिटर है तिजोरी फाइनेंस पे गया मैं वहां पे मैं सर्च कर रहा हूं एच यू एल यूएल हिंदुस्तानी वहां पर जाने का फाइनेंशियल इन साइड फाइनेंशियलो और उसके नीचे कैश फ्लो एनालिसिस रहता है लास्ट टेन ईयर में सिलेक्ट कर रहा हूं ओ गुडनेस लुक एट दिस लुक एट दिस ये क्या है फ्री कैश फ्लो फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव सिक्सटी हमारा फिफ्टी टू थाउजेंड आया था क्योंकि हमने हिसाब से लिया 53,522 आया अपना उनका आंसर आया है 51,560 51,560 चाहिए तुमको ग्रॉस कैपेक्स के साथ लाके दिखा दो तुमको ग्रॉस कैपेक्स 16 नंबर पे था 16 नंबर वहां से मैंने कॉपी किया कितना आया मेरा आंसर एक्सेल के अंदर यू आर अ गो मैड व्हाट इज माय आंसर टेल मी व्हाट इज माय आंसर रेफरेंस टू ग्रॉस फिफ्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एट तिजोरी पे जाके देखो क्या है उनका आंसर फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव अभी वो थोड़ा बहुत फर्क रहेगा क्योंकि पांच सौ नब्बे बारह पांच सौ नब्बे ग्रॉस कैपेक्स रहेगा मेरा बारह दो सौ बयालीस है यहां पर आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलता है यह तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इतना भी समझ लिया ना बच्चों तुमको बहुत है बहुत है मेरे लिए इतना था, उसमें से वर्किंग कैपिटल चेंजेस इतने हैं, इतने पे किए कैश फ्लो कितना ये टेन ईयर सिलेक्ट किया है ये कहां, कहां से गया? आगे का थोड़ा समझने के लिए मुश्किल जाएगा आप सीए फाइनल में आओगे तो ही समझेगा मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या था बच्चों आई एम नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड है. I know, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी से क्रेजी लगी होगी समझी नहीं होगी because, okay, एक तो आपने कैश फ्लो सीखा नहीं होगा तो फिर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं समझेगा जिन बच्चों ने कैश फ्लो सीखा है वो उनके लिए ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई आपके पास अगर रियल लाइफ में डेटा है रियल लाइफ में टाइम होता है अभी मैंने एक घंटे में एक्सप्लेन करना किया अगर मैं इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर मेहनत बहुत सालों तक की है ये मैं कैलकुलेट करके मेरे को बहुत शेयर प्राइस से कितना है। बहुत ज्यादा लिंक्ड है इतने कैश फ्लो आपको कैलकुलेट करने होते हैं अभी ये कैलकुलेशन जब आप समझोगे ना तभी जाके, जाके आप ब्लूमबर्ग टर्मिनल या और खतरनाक खतरनाक सॉफ्टवेयर यूज करके

बट ये आउटसाइड सिलेबस है आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा सीए कोर्स में क्योंकि आपको ये कोर्स आगे जाके चार साल तक कोर्स करना है बेटा सो यू नीड टू डू इट एंड देन ये आपको जिस दिन समझ में आएगा ना यू विल फाइंड आउट सो मेनी बैड कंपनीज बाय जस्ट लुकिंग एट कैश फ्लो बाय लुकिंग एट कैश फ्लो एंड आपको ग्रोथ कंपनी आइडेंटिफाई करना है मैंने आपको शुरुआत में क्या दिखाया था इंटरप्रिटेशन एपीएल अपोलो

डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म नॉर्मली मैच्योर्ड बिजनेस के लिए फ्री कैश फ्लो शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सेवेंटी एटी परसेंट ऑफ योर सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वट इज अ गुड नंबर ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है यूनिट टू चेक इट आउट और फिर आपको समझ में जब आप ये रियल लाइफ में काम करोगे ना अभी आप मत करो अभी आप सिलेबस पढ़ रहे हो आप सिलेबस का ऊपर काम करिए या जब कभी आपको टाइम मिला तो आप वर्कआउट uh, कर लो सो यू शुड ट्राई टू वर्क इट आउट एंड देन टेक अ वंडरफुल आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी स्टॉक हियर डू नॉट ट्राई टू टाइप ट्राई टू लुक आउट नॉलेज ट्राई टू लुक आउट नॉलेज इससे आपको मतलब बहुत खतरनाक चीज है आपको मालूम नहीं है आपने क्या सीखा ये चीज मेरे को सीए होने के बाद पता चली मैं सी ए जब तक बना तब तक ये चीज मालूम भी नहीं थी मुझे नहीं सिखाया था मुझे किसी ने सो इफ यू ट्राई टू लुक एट द फ्री कैश फ्लो जो बहुत सारे वेबसाइट पे भी मिलेगा आप रिलाय तिजोरी पे डेटा मिलता है ये मिलता है आपको फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ आप निकाल सकते हो आपको समझ में आएगा कि विल कंपनी मेक रियल मनी और नॉट ये वीडियो आप बाद में जाके दो तीन बार भी देख लेना जिनके पास टाइम है पॉज लगा के करके देखना पहली बार नहीं समझा होगा आई कैन अंडरस्टैंड उंडेशन किड्स बहुत क्लियरली बोला थार डिस्क्रिप्शन में लिखा था डिस्क्रिप्शन राइट आई होप यू एंजॉय आपके बहुत सारे डाउट हो गए लेकिन हर एक डाउट में नहीं ले सकता हूं यहाँ पर मुझे भी सोना है बच्चे सो गई है तो मुझे जाके सोना पड़ेगा भी बबाई प्लीज uh, ये लाइक सब्सक्राइब शेयर करना वो लोगों के साथ शेयर करना प्लीज मतलब जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर बहुत सारे लाइक्स नहीं आएंगे या बहुत सारे शेयर्स नहीं आएंगे या बहुत सारे बच्चे नहीं बढ़ेंगे तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा मैं नॉलेज शेयर करना बंद करेगा मेरे को कोई इससे ना एक रुपया मिलने वाला है ना मैं पैसा कमाने वाला हूँ इससे ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू मेक आवर कम्युनिटी स्मार्टर तो प्लीज गधे बच्चों को स्मार्ट बनने के लिए प्रवृत्त करना बाय गुड नाइट